रही थी कि दांत के डॉक्टर को जरूर मिल लेना। ठीक है भाई, मिल लेंगे, अभी दुकान जाना जरूरी है भाई। आइए बाबूजी। अरे ओ व्यापारी जेठालाल, अरे चाचा जी को डॉक्टर के पास लेके जाओ। या भाई, मुझे क्यों लेकर जाना है, हैं? दर्द तो जेठिया के दांत में है। क्या क्या लड्डू काका, यह दर्द बहुत बढ़ गया है, मैं घर जाता हूँ। हाँ ठीक है, आप दांत संभालिए, मैं दुकान संभालता हूँ। अरे दया भाभी, जेठा भाई का दांत कैसे है अभी? अच्छा है, लेकिन हो क्या गया अचानक? डॉक्टर कुटकुटिया तो जेठा जी के दांत की बहुत तारीफ कर रहे थे। हाँ, वो दांत से सुपारी को कुचलने गए और सुपारी ने दांत को ही कुचल दिया। अरे हमारे दांतों में एक छोटा सा कंकर आ जाते, तू कैसा कैसे होता है ना दांत में। और जेठा भाई को सुपारी का पता नहीं चला। वो भोले जो ठहरे मेरे वीर सुंदर जैसे। अरे 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 अरे, आप दुकान से जल्दी कैसे आ गए? तुमको कोई प्रॉब्लम है? अरे नहीं, मैंने आपका टिफिन तो दुकान पर भेज दिया है और आप यहाँ पर आ गए। मुझे कुछ नहीं खाना है भाई। बहुत दर्द हो रहा है ना आपको जेठा जी? हाँ बबीता जी, बहुत दर्द हो रहा है। अरे तो आप डॉक्टर कुटकुटिया को क्यों नहीं बताते? हाँ, एक बार शेर के पिंजरे में बोलो तो चला जाऊं, लेकिन दांत के डॉक्टर के पास तो मैं कभी नहीं जाऊंगा। बहुत अच्छा सुझाव है आपका कोमल भाभी, इस पे मैं बहुत जल्द अमल करूंगा। ठीक कह रहा जेठा भाई। हैं? अच्छा आप घर पर जाकर आराम कीजिए, तब तक मैं सब्जी लेकर आती हूँ। हाँ ख्याल रखना अपना। ये लीजिए चीकू, खा लीजिए, ये खाने में नरम है। मेहरबानी तुम्हारी, पत्नी पति पर थोड़ी मेहरबानी करते हैं। अरे अगर मेहरबानी गिनना जाए तो पूरी जिंदगी निकल जाए, और फिर ऐसा भी तो होता है कि कभी अभी चुप रहने की मेहरबानी करेगी तू। दया भाभी। अरे भिड़े बहन। बबीता जी, आइए आइए बोलिए। नहीं, थैंक यू। दया भाभी, ये अजवाइन की पोटली है, इसे ना तवे पे गरम करके उनके गाल पे जहाँ पे दर्द है ना वहाँ पे सेक कीजिए। जेठा भाई, आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। चलो हाश। थैंक यू। हाँ, और इनफैक्ट मैं आपको जरा एक्यूप्रेशर दे देती हूँ, यू नो आपको इससे थोड़ी राहत तो जरूर मिलेगी। थोड़ी नहीं बबीता जी, बहुत राहत की जरूरत है। एक मिनट जरा बबीता जी को आने। एग्जैक्टली कहाँ पे दर्द है? ये ऊपर का दर्द, ये जो पूरा है ना इधर, बहुत दर्द कर रहा है। ओके ओके, अब जरा चेहरा घुमाइए उस तरफ। आप मुझे एग्जैक्टली बताना आपको कहाँ पे दर्द हो रहा है। हाँ ओके, यहाँ 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 हाँ यहाँ यहाँ अरे अरे ओह, क्या हुआ? दर्द और बढ़ गया। दया कोई इलाज काम नहीं कर रहा है। मैं तो अभी भी कहती हूँ दांत के डॉक्टर को दिखा दो ना। नहीं सेठ जी। अरे लड्डू काका, आप लड्डू काका आए हैं? दिख रहा है, बोल रहे हैं दुख रहा है, लेकिन दांत के दर्द की वजह से जीभ लपस जाती है तो दुख रहा है इसके बदले बोले दिख रहा है। सोचिए कितना दर्द हो रहा होगा। अरे दिख रहा है ऐसा ही बोला मैंने दया। तू चुप रे नटू काका, बोलिए ना क्यों आए आप यहाँ। सेठ जी, आपका दांत का दुखावा दूर हो जाए ना इसलिए मैं आपके लिए स्पेशल दवाई लेके आया हूँ, दंत मंजन, देसी दंत मंजन। एक बार लगाते ही दांत गायब। मेरा मतलब है दांत का दर्द गायब।
जल्दी लगाइए सिर। लगाइए ना, बहुत अच्छी दवा है लीजिए, बहुत अच्छी दवा है। थैंक यू, लीजिए ना जल्दी। सामान जल्दी लगाइए सेठ जी, जल्दी अच्छा हो जाएगा आपको। अच्छा हो गया। उसी पेशेंट का एक दूसरा किस्सा सुना। एक बार उसकी वाइफ ने मायके से फोन किया, बोला मैं 15 दिनों से आई हूँ, आपके इंतजार में आधी हो गई हूँ, कब आएंगे आप मुझे लेने के लिए? तो हस्बैंड ने कहा और 15 दिन के बाद। तो यार पति बीवी को 15 दिन के बाद लेने जाएगा, इसमें हंसने वाली बात क्या है? थोड़ी तू सोडा पी ले, बाद में समझाता हूँ। अब्दुल सोडा बना। हाँ बनाता हूँ, लेकिन भाइयों आज से मैंने एक स्कीम बनाई है, 4 सोडे में 1 सोडा फ्री। वाह क्या बात है। 1 2 3 4 चार सोडे बना दे, और वो फ्री वाली सोडा भी मुझे ही देना अब्दुल। अरे आप लोग समझ नहीं रहे हैं, एक आदमी 4 सोडा पिएगा तो उसपे 1 सोडा फ्री। अच्छा अच्छा अब्दुल, बेवकूफ बना रहे हो, इसपे बनाने की क्या जरूरत है? नहीं मतलब आप तो होशियार है ही। अरे हाँ, वो जेठालाल और मेहता जी नजर नहीं आ रहे? अरे मेहता साहब अभी तक ऑफिस से आए नहीं, और जेठा भाई वो घर पे बैठे दोपहर से दांत का दर्द लेकर। अच्छा, आज सुबह भी अपने दांत का दर्द छुपा रहा था, बहुत होशियार बन रहा था, कह रहा था कितने मजबूत दांत है मेरे, लोखंडी दांत ये, ऐसे ऐसे करके। हमको जेठालाल को देखने जाना चाहिए। अरे हाँ यार, जेठा प्रा को देखने जाना चाहिए। हाँ हाँ बिल्कुल, चलो चलो जरा देखे तो सही उसका लोखंडी दांत कैसा है। हाँ हाँ चलो चलो चलो। अरे डॉक्टर हाथी आप रहने दो, जेठालाल का दांत का दर्द देखने के चक्कर में कि सीढ़ी चढ़ते हुए आपके पाँव का दर्द ना चालू हो जाए, आप यहीं बैठो जी। हाँ सही बात है, तो आप लोग जाओ ना जेठालाल के घर। चला पीने पिरा। हाँ चलो चलो देखते हैं लोखंडी दांत कैसा है। वो वेफर का पैकेट दे दे। कैसा लग रहा है सेठ जी? किधर से लेके आए ये दंत मंजन नटो काका? फुटपाथ पे तंबू लगा के वो जड़ी बूटियां बेचते हैं ना, उसके पास से 5 रुपए में पूरी बोतल। पूरी बोतल इधर, मेरा पूरा मुंह जल गया। हाँ वो देखा मैंने, अब भी जाके उसके मुंह पे बोतल मारता हूँ, 5 रुपया पूरा लिया और ऐसे चालू माल बेचता है। सही है, आराम से आइए, धीरे धीरे चलिए। कुछ आइसक्रीम भी रख अपनी दुकान में अब्दुल। अरे आप ऑर्डर तो करो, आइसक्रीम भी आ जाएगी। ऑर्डर किया ना। क्या डॉक्टर आती, ऐसी क्या बेताबी, आज के अकेले चले आए, साथी कहाँ है सारे? नहीं वो सब जेठालाल के घर गए। क्यों? अरे जेठा भाई के दांत में दर्द बढ़ गया है। दर्द बढ़ गया? अरे मैंने बोला था कि डेंटिस्ट को दिखाओ यार, मानता ही नहीं है क्या, आपको बोलना चाहिए ना। अरे मैंने तो कुछ कुछ। अरे मैं जाता हूँ, मैं देखता हूँ। ओ जेठा ब्रा। जेठा लाल, अरे है क्या? ये लोग यहाँ क्यों हैं? क्या आप लोग यहाँ पर क्यों आए हैं? ऐसा टप्पू के पापा पूछ रहे हैं। ओ दया पापी जी, जेठा लाल का हालचाल पूछने आए हैं। ओ अच्छा, तो बैठे ना। हाँ, हाँ, चलो चलो बढ़िया, ये आओ बैठो। आओ बैठिए। जेठा लाल अब तुम्हारा दांत कैसा है? हाँ जेठालाल, वो तुम्हारे लोखंडी दांतों में दर्द कैसे हुआ भाई? क्या कर सकते, हो गया भाई दर्द दांत में। अभी दांत के दर्द के साथ साथ क्या सर में भी दर्द हो रहा है, तो कोई बोलता है तो ऐसा लगता है कि उसके मुंह में कपड़े का डूचा ठोस दूं। अरे जेठा, अरे आप सब लोग यहाँ बैठो बैठो। आओ चाचा जी। बैठो। क्या बात है भिंडी मास्टर, सोसाइटी की मीटिंग क्या आज हमारे घर में रखी है? अरे नहीं नहीं चाचा जी। ओ क्या है चाचा जी, हम जेठालाल की वो तबीयत देखने आए। अरे अब्दुल से पता चला कि तुम सारे लोग यहाँ हो, क्या जेठालाल दांत का दर्द ज्यादा बढ़ गया क्या? अरे जेठिया मेरी बात मान, डॉक्टर को दिखा दे, अरे सब ठीक हो जाएगा।
हाँ, अरे डॉक्टर को दिखाना बहुत जरूरी है जेठालाल, नहीं तो ये तकलीफ बढ़ जाएगी। दांत का मामला ही ऐसा है। राइट राइट राइट, मेरे अंकल को भी दांत में बहुत दर्द था, उन्होंने भी डॉक्टर को नहीं दिखाया था, बाद में ऑपरेशन करना पड़ा। अरे अय्यर भाई, उन्होंने ऑपरेशन तो किया, लेकिन मेरे चाचा जी ऐसे ही जेठालाल की तरह डॉक्टर के पास जाने से मना कर रहे थे, घर में इलाज कर रहे थे। नतीजा क्या हुआ? रिएक्शन हुआ, सारे बाल झड़ गए। और ये तो कुछ भी नहीं यार, मेरे चंडीगढ़ वाले चाचा जी हैं, उनको भी ऐसे ही दांत का दर्द हुआ था, उन्होंने भी इलाज नहीं कराया और दांत में पस पड़ गई और वो पस पेट में चली गई। दोनों दांत तो गई गए, साथ में किडनी भी। फिर बोल जेठिया बोल, ये सब सुनने के बाद भी तुझे डॉक्टर के पास नहीं जाना है? नहीं। अरे जेठालाल, कुछ नहीं होता, जहाँ पे तुम्हारा दांत दर्द कर रहा है ना, वहाँ आपका एरिया डॉक्टर वो सुन कर देगा और वो दांत निकाल देगा। कैसे सुन करेंगे? ऐसा फेंट मार के इंजेक्शन देके। दांत में इंजेक्शन? अरे भाई, इधर हाथ में इंजेक्शन देता है डॉक्टर तो मैं ऐसा कांपता हूँ, तो दांत में तो कभी नहीं। अरे जेठालाल, इंजेक्शन का ही प्रॉब्लम है ना। लेकिन चिंता मत करो, साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है, आजकल एक सुपरफिशियल एनेस्थीसिया आया है। यूं समझो ना यार, कि कोई स्प्रे है, उसको अगर करते हैं तो इंजेक्शन का दर्द भी नहीं होगा। पता ही नहीं चलेगा कब इंजेक्शन लग गया और कब तुम्हारे दांत का इलाज भी हो गया। ठीक, अब चलने को तैयार हो? ठीक है, मैं एक शर्त पे आता हूँ। क्या? पहले आप वो स्प्रे अपने दांत पे मारो और आप डॉक्टर से एक दांत निकलवाओ, अगर आपको कुछ नहीं होगा तो मैं अपना दांत निकलवाने को तैयार हूँ। अपने दोस्त के ऊपर ऐसा अत्याचार नहीं करते हैं। आप लोग बिल्कुल फिक्र मत करो। तो जेठालाल, मेरे दोस्ती की परीक्षा हो रही है, अगर ये बात है तो ठीक है, मैं तैयार हूँ, मैं चलूंगा तुम्हारे साथ और निकलवाऊंगा दांत। बोलो। अरे नहीं नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, मैं तो मजाक कर रहा था। तो मैं कौन सा सीरियस था? अरे भाई, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, मेरी गारंटी है कि कुछ नहीं होगा। अब तो तैयार हो तुम? ओ, हम भी साथ में चलेंगे यार। हाँ बिल्कुल बिल्कुल चलेंगे। अरे क्या, सब चलेंगे भाई, उधर का मेला लगा है क्या? हाँ, सबको जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन जेठा मैं आऊंगा तेरे साथ बाबूजी, वरना तू डॉक्टर के पास नाटक करेगा। और मैं भी आऊंगी। अरे तुझे वहाँ आने की क्या जरूरत है दया? ऐसे थोड़ी ना होता है, पति को तकलीफ होती है तो पत्नी साथ भी ना दे। अहमदाबाद में सब लोग मेरी माँ को क्या कहेंगे कि कैसे दामाद मेरा जो तकलीफ में रहता तो ऐसे के तो फूसी साथ में दे, तो ऐसे थोड़ा होता। बस बस, सौ बात की एक बात, कि मैं साथ आ रही हूँ, यही ना। अरे जेठालाल, अगर दया भाभी आ रही है तो आने दो ना, तुम्हें क्या फर्क पड़ रहा है भाई। मैं एक काम करता हूँ, मैं डॉक्टर हाथी से अभी डॉक्टर कुटकुटिया का नंबर लेके अपॉइंटमेंट ले लेता हूँ, कल चलेंगे और तुम्हारा दांत दिखाएंगे। ओके, अब टप्पू के पापा का दांत का दर्द ठीक हो जाएगा। हे भगवान, आज टप्पू के पापा का दांत गिराना है, उनको दांत गिराने की शक्ति देना और हमें हमें हिम्मत देना कि हम उनको डॉक्टर कुटकुटिया के पास ले जाए, क्योंकि उन्होंने अभी तो हाँ बोला है लेकिन अंदर से बहुत डर रहे हैं। हे भगवान, बस इतना ख्याल रखना कि दांत गिराने के लिए वो वाइडे ना हो। अगर उनका दांत सही सलामत गिर गया तो मैं 5 जरूरतमंदों को नई बत्ती सी ले दूंगी। हाय, गुड मॉर्निंग दया भाभी। गुड मॉर्निंग कोमल भाभी, आज अकेले अकेले जोगन। जोगन? हाँ। अच्छा, जॉगिंग? हाँ। नहीं नहीं, डॉक्टर हाथी है ना मेरे साथ। हाँ। कैसे हैं दया भाभी? चिंता में हूँ, सब आपकी वजह से। सही बात है। अरे क्या सही बात है दया भाभी, आप डॉक्टर हाथी की वजह से क्यों चिंता में हैं? टप्पू के पापा की इस हालत के लिए हाथी भाई आपकी ही गलती है। मेरी क्या गलती है? हाँ? ना डॉक्टर कुटकुटी आपके दोस्त होते, ना आप हमारे गोकुलधाम सोसाइटी में दांतों का लैंप लगाते,
लैंप नहीं, क्या? हाँ वही, ना टप्पू के पापा अपने दांत दिखाने आते, ना उनके मजबूत दांतों की तारीफ होती, ना मैं उनको अखरोट तोड़ने के लिए देती, और ना टप्पू अखरोट के छिलके में सुपारी रखता, और ना उनका दांत टूटता। ये सब कैम की वजह से ही हुआ है। बताइए अब किसकी गलती है? मेरी गलती है। अरे क्या आपकी गलती है दया भाभी, ये कोई लॉजिक नहीं हुआ। सही बात है, लेकिन इस समय हमें जेठा भाई के दांत के दर्द के इलाज के बारे में सोचना चाहिए। मैंने डॉक्टर कुटकुटिया से फोन पे बात कर ली है, आप जाके सिर्फ टाइम पे उनके क्लिनिक उनको मिल लो, वो जेठा भाई का दांत बिना दर्द के बाहर निकाल देंगे, कोई टेंशन नहीं। हाथी भाई, अगर आपकी बात सच हुई तो आपके मुँह में बूंदी के लड्डू। थैंक यू। अच्छा मैं जरा जाती हूँ, वो डॉक्टर कुटकुटिया को मिलने का टाइम हो गया है। अच्छा जेठा भाई को बेस्ट ऑफ लक बोल देना। हाँ हाँ, और हाथी भाई सॉरी, मैंने टेंशन में आपको कुछ उल्टा सीधा कहा तो जरा माफ करना। इट्स ओके दया भाभी, इट्स ओके। दया भाभी कितनी भोली है ना, कोमल। भोली तो है पर आज बहुत बोली है। सही बात है। चलो चलो चलो। जेठा, ए जेठा, बहू। हाँ बापूजी। अरे चलो जल्दी, क्या हुआ, जेठा कहाँ है? बापूजी वो तैयार हो रहे हैं। क्या? हाँ। वो अब तक तैयार नहीं हुआ? हाँ बापूजी, पता नहीं आज इनको क्या हो गया है, कब से कोई कपड़े पसंद ही नहीं आ रहे हैं, अब तक 5 जोड़ी कपड़े बदल चुके हैं। अरे डॉक्टर के पास जाना है, शादी में थोड़ी जाना है। ए जेठिया। हाँ आया बाबूजी। अरे चलना भाई, कितनी देर? हाँ चलो। अरे एक मिनट, क्या हुआ? वो चप्पल पहने बूट पहन के आता हूँ। ए भाई, ए डॉक्टर को तेरा दांत दिखाना है, तेरा पैर नहीं? बराबर है, लेकिन वो पैंट शर्ट पे चप्पल अच्छे नहीं लगते। 2 मिनट, अभी आया। बहू, ये जेठिया कहीं डॉक्टर के पास न जाने के बहाने तो नहीं बना रहा? मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। अरे जेठा चल जल्दी। आया बापूजी। आगे। चलो। हाँ। एक मिनट बाबूजी। अब क्या हुआ? मेहता साहब कहाँ है? वो होगा अपने घर पे, क्यों? मतलब नहीं आ रहे। मुझे पता था बापूजी वो नहीं आएंगे, यह गलत है बापूजी, उन्होंने मुझे गारंटी दी थी कि मैं तुम्हारे साथ आऊंगा, कुछ नहीं होगा। नहीं बाबूजी, मेहता साहब नहीं आएंगे तो मैं नहीं आऊंगा। मेहता साहब कैसे नहीं आएंगे, हाजिर है मेहता साहब, चलिए। ले, मेहता भी आ गया। अब अरे हाँ, अच्छा याद है दया। हाँ? दांत की वजह से कल से कुछ खाया नहीं है, बहुत भूख लगी है, तो कुछ नरम गरम बना दे, खास करके गरम गरम, तो क्या है थोड़ा सेक भी हो जाएगा और भूख भी मिट जाएगी। सॉरी जेठालाल, असल में डेंटिस्ट के हमें बिना कुछ खाया जाना पड़ता है, सॉरी। बोल अब। अब और कुछ याद नहीं आ रहा है, है? कुछ नहीं, चलिए चढ़ जा जेठा सूली पे। उफ, ये जेठालाल के दांत का दर्द, और दर्द से ज्यादा परेशानी है डर की। जेठालाल को ये डर के दांत निकालना पड़ेगा। ये डर भी ऐसी चीज है ना जो हमेशा इंसान के साथ रहती है, अंदर बना रहता है डर। हर आदमी को कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज का डर। अरे सारे डर अनावश्यक है, आप एक काम कीजिए, बिल्कुल मत डरिए, हंसने से, मुस्कुराने से, ठहाके लगाने से, और इन तीनों चीजों में कहीं कोई गड़बड़ हो तो हमें देख लीजिए, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, फिर लगाइए ठहाके बिना डर के। हेलो दोस्तों, आपको तारक मेहता का उल्टा चश्मा के अपडेट सबसे पहले चाहिए ना, चलिए YouTube सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें।